सकता हूँ। अभी रिस्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम एंड देन प्रेस एंटर, तो पेन ड्राइव रिमूव करने बोल रहा, तो पेन ड्राइव रिमूव किया और उसके बाद एंटर दबाने बोला। और एक एरर आ गया। तो हेलो अगेन एंड एज यू कैन सी मैं अभी लिनक्स मिंट ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो एरर देखा वो इंस्टॉलेशन के वक्त, ये जो नो बूटेबल डिवाइस फाउंड वाला एरर, ये हो सकता है कि मोस्ट ऑफ़ द लोगों के लिए ये आएगा ही नहीं। आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद प्रॉपरली बूट हो जाएगा मिंट, ठीक है। ये कुछ एसर रिलेटेड, एसर जो कंपनी है, एसर कंपनी के जो लैपटॉप्स है उससे रिलेटेड है कुछ ये एरर, और कुछ और कंपनी के स्पेसिफिक मॉडल्स पे आ सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली ये एरर नहीं आएगा आपको। अगर ये एरर आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो ये वाला आपने देखा, ये ऑलरेडी वीडियो में कि नो बूटेबल डिवाइस फाउंड, इन्होंने भी वही बोला है कि एसर रिलेटेड लैपटॉप पे आया है, और ये सोल्यूशन यूबुंटू के लिए है, लेकिन मिंट तो यूबुंटू पे ही बेस्ड है, तो ऑलमोस्ट सारे सोल्यूशन जो यूबुंटू के होते हैं वो मिंट पे भी काम कर ही जाते हैं। तो पहले क्या करना है आपको, वैसे ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले तो जैसे हमने बूट मेनू पे गए थे, पहले वो बूट मेनू पहले वही ओपन करना है, और एक चीज़ ये बूट मेनू ओपन करने के बाद सिक्योर बूट एक बार चेक कर लीजिएगा, सिक्योर बूट एनेबल होना चाहिए, तो सिक्योर बूट एनेबल कर देना, ये बूट वाले जो ये मेनू है वहाँ जाके सिक्योर बूट एनेबल कर दो, और उसके बाद सिक्योरिटी वाले टैब पे जाके यहाँ आप डाउन एरो से ये वाले ऑप्शन पे आओ, सिलेक्ट एन UEFI फाइल एज ट्रस्टेड फॉर एग्जीक्यूटिंग। तो इससे क्या होगा कि हम लोग वो फर्स्ट फाइल को पॉइंट कर रहे हैं जहाँ से बूट स्टार्ट होना चाहिए, वो फाइल इसको कहीं से मिला नहीं है, मतलब फॉर सम रीज़न। तो ये वाले ऑप्शन पे आके आप एंटर मारो, उसके बाद ये दिखेगा आपको, ये आपका अगर मल्टीपल हार्ड डिस्क है तो यहाँ पर दो मतलब हार्ड डिस्क भी दिखा सकते हैं, नहीं तो मोस्टली एक ही दिखाएगा, तो ऐसे आएगा। वहाँ पर एंटर मार के फिर आपको ये दिखेगा UEFI, तो इसमें भी फिर से आप एंटर मारो, उसके बाद Ubuntu आएगा, क्योंकि Ubuntu पे ही बेस्ट है मिंट, तो आपके भी Ubuntu आएगा, तो इस पर Ubuntu पे जाके फिर से एंटर मारो। उसके बाद यहाँ पर ये वाला फाइल नेम आपको दिखेगा SHIMX, तो इस फाइल पे जाके आप एंटर मारोगे, उसके बाद एक पॉपअप आएगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो यहाँ इन्होंने बस येस लिख के फिर येस पे आप एरो से मतलब ये येस नो को कंट्रोल कर सकते हो, तो येस पे जाके आप एंटर मारोगे, उसके बाद आप बस F10 प्रेस करके सेव करोगे, जैसे हमने पहले भी किया था, F10 प्रेस करोगे तो ये सेव करने का ऑप्शन आएगा, तो येस पे फिर सेव करके बस इतना ही है, उसके बाद फिर आपका ऑटोमेटिक बूट स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो यहाँ से भी फॉलो कर लेना, ओके। तो मैंने भी यही किया था,